नवी मुंबई में सार्वजनिक गणेशोत्सव पर दिखेगा कोरोना का असर, घरगुती गणपति को लेकर लोगों में उत्साह बरकरार। सार्वजनिक गणेशोत्सव पर कोरोना महामारी का असर दिख रहा है। राज्य सरकार ने 4 फुट से ऊंची गणपति न बिठाने का जो आदेश दिया है उसका पूरी तरह से पालन हो रहा है। लोग छोटी और पर्यावरण के अनुकूल गणपति की बुकिंग करा रहे हैं। गणपति विक्रेताओं का कहना है कि पहले के मुकाबले इस साल बुकिंग कम हुई है, हालांकि लोगों में घरगुती गणपति को लेकर उत्साह पहले जैसा ही है। कई लोग जो पहले 11 दिन की गणपति बिठाते थे इस साल कम दिनों के लिए बिठाएंगे, लेकिन उत्साह पहले जैसा ही है। इस वक्त हम नेरुल में एक गणेश पंडाल में आए हैं जहाँ पे गणेश प्रतिमाएं रखी गई हैं, जो बिक्री के लिए रखी गई हैं। हर साल यहाँ पे गणेश प्रतिमाएं बिक्री की जाती हैं। इस साल कैसा माहौल है? कोरोना का काल है, लॉकडाउन चल रहा है, लोगों में भी भय है। ऐसे में गणेश उत्सव को लेकर के क्या तैयारियाँ चल रही हैं और लोग कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इसके बारे में हम यहाँ के जो मालिक हैं, जो प्रतिमाओं की बिक्री कर रहे हैं, उनसे ज़रा बात करेंगे, देखेंगे उन लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स है, उत्साह भी है लोगों में, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कुछ लोग गांव गए हुए हैं, कुछ लोग इधर है, तो गवर्नमेंट ने जो उन्होंने बताया है कि जो बड़ा बड़ा मूर्ति नहीं रखने का है, छोटा छोटा और इको फ्रेंडली रखना है, जो ताकि आप घर में भी विसर्जन जो हो सकता है वैसा मूर्ति आप ले लें। मेरा पेंडल कम से कम यहाँ 15 साल से है, थोड़ा सा कम है, फिर भी जो हमारे पुराने कस्टमर है, जो पुराने ग्राहक है, वो तो आ ही रहे, लेकिन जो बड़े बड़े मूर्ति लेते थे वो अभी छोटे छोटे ले रहे हैं। सब इको फ्रेंडली को कस्टमर भी सपोर्ट कर रहे हैं, कस्टमर को ज़्यादा तो इको फ्रेंडली चाहिए और हम भी कोशिश करते हैं कि कस्टमर को इको फ्रेंडली दे दें, क्योंकि और हमारे मेरी तो पर्सनल राय है कि वो POP पूरा ही बंद हो जाए। तो मेरे ख्याल से जो छोटा है, अभी ये कंडीशन देख के, कोरोना का संकट देख के, वो छोटा ही रखना चाहिए सब लोगों को। लोगों को हम लोग कन्विंस करें कि इको फ्रेंडली मूर्ति ले लो, घर पे विसर्जन करो, तालाब पे भीड़ मत करो, छोटा मूर्ति ले लो, यही रिक्वेस्ट करें सब। 50% स्टॉक लाया, फिर भी और 50% लोग कम हुए, मतलब इस साल 25% ही मूर्ति बुकिंग है, फिर 25% है लोगों में, लोग आने में डर रहे हैं। यहाँ पे पहला तो सैनिटाइज करते हैं, फिर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, भीड़ नहीं करने देते, एट अ टाइम एक ही कस्टमर लेते हैं, और पूरा फैमिली अंदर नहीं, एक या दो मेंबर फैमिली के लेते हैं। लेने में यहाँ मेला लगा रहता है, लास्ट आखिरी दिन दो दिन में लेने आते हैं, सब लोग इकट्ठा आते हैं, सब साथ में आते हैं, लेकिन उस वो अवॉइड करने के लिए हम लोग इस साल घर पे डिलीवरी दे रहे, 2 दिन पहले दे रहे, 1 हफ्ता पहला बुला रहे। पिछले 25 साल से भंडारे बंदूक के नाम से यहाँ स्टॉल लगाते हैं और हमारे रेगुलर कस्टमर्स भी रेगुलर हैं, जो 25 साल से हमारे यहाँ ही ले रहे, तो उनको तो मूर्ति देना है, इसलिए हम लोग सब नियमों का पालन करके ये मूर्ति बिक्री कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।